हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर फेवरेट शो आस्क एनीथिंग टू सपना। दोस्तों, आपकी लव गुरु आज आपके लिए लेके आई है कुछ चटपटे तीखे मीठे ऐसे आइडियाज कि आपको लगेगा कि हाँ यार, ये आइडियाज तो आज तक मेरे दिमाग में आए ही नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा हम क्या करें। बहुत सी ऐसी चीजें आज आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ जिनको सुनने के बाद या जिनको समझने के बाद आपको लगेगा कि सच में आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अक्सर आपके मन में एक चीज होती है कि यार कोई मतलब कोई नजर आया, कोई दिखा और फिर वो मतलब जहन में आ गया कि अरे यार क्या करें, ऐसा कैसे करें, वो मुझे मिल जाए या वो मुझसे बात करे, कुछ तो ऐसा हो कि वो मेरे से बात करे। फिर आप अपनी सारी कोशिश करना शुरू कर देते हो, सारी जद्दोजहद करना शुरू कर देते हो उस एक इंसान के लिए जिसको आप अंदर ही अंदर चाहने लगते हो, जिसके लिए आपका दिल यूं समझ रहे ना धक धक करना शुरू कर देता है। पता है ना, वो एक पुराने जमाने की बातें होती है कि जब हमें छुप छुप करके देखना होता था यार हम उसके कैसे करीब जाएं। वो पता है पहले का सीन जो भी होता था, बुक्स लेकर के टकराना या फ्लावर देना या फिर ये कोशिश करना कि जिस दिन वो कॉलेज आ रही हो उस दिन स्पेशल ड्रेसेस में जाना, तो ये सब चीजें तो ऑलरेडी होती रहती हैं। आपको क्या करना है, जो यंग जनरेशन है आज की, जैसे मतलब आप लोग जो आपकी एक यूथ है, जो आप ये चाहते हो कि हाँ भाई जिसको आप चाह रहे हो वो करीब आए और उसको आप दिल से आप उसके नजदीक जाइए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आप अच्छे से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के टाइम में ना लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। जी हाँ, चॉकलेट। तो आपको क्या करना है, कभी भी दोस्तों के बीच में अगर आप है ना, तो कभी आप चॉकलेट पार्टी दे सकते हो, बोल सकते हो अगर आप उससे बहुत पसंद करें और आप इंडिकेट करें उसको यार हाँ वो इस क्लास में है, उसका ये नाम है, तो आपको उस अपने आसपास जो भी लड़के हैं ना उनको बोला यार आज तो मैं चॉकलेट पार्टी दे रहा हूँ, तो जो जो इंटरेस्टेड हो वो आ सकता है। और आपको यूं आंखों से इशारे करने की हाँ कुछ और लोगों को भी बुलाया जा सकता है अगर वो इंटरेस्टेड है तो। और पता है अगर वो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आप में लेती होंगी ना तो वो चॉकलेट पार्टी में जरूर आएंगी। सेकेंड थिंग, पता है कभी कभी लड़कियों को घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। घूमना मतलब यूँ लॉन्ग ड्राइव पे, हालांकि पहली मुलाकात में या पहली बार जब आप बात कर रहे हो तो वो लॉन्ग ड्राइव के लिए तो बिल्कुल भी नहीं तैयार होगी। बट आपको क्या करना है, एक प्लान बनाना है कॉलेज में या फिर जहाँ पे भी आप वर्क करते हो, या अगर आप चाहते हो कि यार कैसे करूँ, मैं आपको पटाने के तरीके बता रही हूँ और देखिए ना आपको ये अच्छे से सुनना है। और अगर आप चाहते हो ना कि लड़की आपसे पट जाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिकॉज देखिए हम भी बड़ी मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं ना कि हमारी इस मेहनत को आप थोड़ा सा सार्थक कीजिए ना। वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स तो जरूर मिलने चाहिए, बिकॉज मुझे भी तो लगे ना कि हाँ मैं कैसा बोलती हूँ वो आपको कैसा फील कर रहा है। तो मैं ये कह रही थी ना कि लॉन्ग ड्राइव का एक प्लान बनाइए। इवन अक्सर क्या होता है ना, बाइक से ही जाना बहुत अच्छा लगता है। अब सिंगल में तो देखिए थोड़ा संकोच जरूर होगा लड़की के मन में, बट क्या अगर आप किसी भी दोस्त को तैयार करते हो यार तो अपन साथ चलते हैं, और कोई और दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेडी होता है ना, तो आप दोस्ती के बहाने या इवन बर्फीली वादियों को दिखाने के बहाने, इवन किसी भी बहाने आप बोल सकते हो नहीं यार मेरा बर्थडे है या मेरे दोस्त का बर्थडे है या इवन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कुछ भी नया कर रहे हैं, तो आप कुछ बोल सकते हो और कहते हो ऐसा है और हम लोगों ने ये प्लान बनाया है। हालांकि जा करके सेम डे में वापस भी आना है, आउटडोर मतलब बहुत आउटडोर नहीं, बिकॉज ये कहते हैं ना कि ये प्यार के परवान चढ़ाने की या अगर आप शुरुआत में ही बहुत दूर तक जाने की कोशिश करोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। बट आप कोशिश करो ये कि आप उनको नज़दीक जाने के लिए इन रास्तों से गुजर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि हम चलो दूर जा रहे हैं, हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और हम वन डे रिटर्न आ जाएंगे, तो परमिशन भी मिल जाएगी घर से और ऑलरेडी वो रेडी भी हो जाएंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि इसमें कहीं से कुछ भी गलत नहीं। थर्ड मतलब आपको क्या करना है कि आप ड्रेसेस होता है ना, ड्रेसेस आप कभी मार्केट जाते हो, मैं जानती हूँ लड़कों की सेविंग बहुत थोड़ी सी होती है, मदर फादर पैसे देते हैं तब जाकर के आपकी पढ़ाई होती है, तब जाकर के आप खुद के खर्चे बियर कर पाते हो, बट दोस्त कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। तो आपको क्या करना है, ड्रेसेस देखते रहिए, आपने उनका साइज़ देख ही लिया है कि वो आपको कैसी लगती हैं, ड्रेसेस कोई भी देखते रहिए और उनका इंटरेस्ट जानते रहिए, क्योंकि कभी कभी तो लड़कियों को शॉर्ट ड्रेसेस अच्छे लगते हैं और कभी कभी होता है कि उनको शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पसंद होते, बिकॉज नॉर्मली ड्रेस का मतलब कि वो उसे सब जगह सब लोगों के बीच में पहन सके, और अगर वो उस ड्रेस को सब जगह सब लोगों के बीच में पहन ही नहीं सकती तो क्या फ़ायदा देने का। और अक्सर आप लड़के क्या करते हो पता है, आप क्या करते हो, आप जब भी परचेस करते हो ना शॉर्ट ड्रेसेस परचेस करते हो। सही हूँ मैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे ये पता है। आपको शॉर्ट ड्रेसेस तो परचेस करना है वो अपने इंटरेस्ट से, जब वो टाइम आपकी लाइफ में आएगा वो एक अलग बात है, बट
आपको सबसे पहले उनके लिए कुछ ऐसा परचेस करना जैसे वो सोशली पहन सके, जिसको देख के लोग कमेंट्स कर सके, यार बहुत अच्छा है, वाव सो गॉर्जियस, नाइस लुकिंग यार। तो वो ऐसी कोई ड्रेस मन में रखिए, देख करके बेहतर होगा कि वो चीप एंड बेस्ट हो, बहुत कॉस्टली हो वो अच्छी लगे, ऐसा कुछ मन में बिल्कुल मत रखिए। एक अच्छी सी ड्रेस दिमाग में रखिए और वो परचेस जरूर कीजिए। इससे क्या है, उनको लगेगा जो मेरा अभी से इतना ख्याल रख रहा है, अगर हम उसके साथ एक बाउंड्री रिलेशनशिप में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मेरा कितना ख्याल रखेगा। तो एक प्यारी सी ड्रेस गिफ्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये उनको और अधिक नजदीक लाने का एक बेहतरीन तरीका है। और आगे अगर चलते हैं तो ये जानते रहिए कि उनको इसके अलावा और क्या पसंद है, क्या मूवी देखना पसंद है या फिर कहीं और कुछ और नया करना पसंद है। इवन हॉर्स राइडिंग भी किसी को पसंद है, किसी को पर्वतों पे जाना पसंद है, किसी को स्लाइडिंग पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है उसमें उन्हें क्या पसंद है। हो सकता है कि हॉर्स राइडिंग पसंद हो, या किसी को राजस्थान की वो जो क्या होता है ना, बहुत ज्यादा रेगिस्तान होता है, ऊंट होते हैं, वो जगह भी देखना किसी किसी को अच्छा लगता है, वो घर होंदा जैसा हो, बिल्कुल देसी लुक वाला, यहाँ भाई हम बीच में बैठ गए और चारों तरफ वो डांस हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर भी वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप वो भी एक बोल सकते हो, डिमांड कर सकते हो उनसे कि क्या आप यहाँ चलेंगे। इवन अब उसके लिए टाइम निकालना या कैसे करना है वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन यकीन मानिए अगर उनके मन में थोड़ा सा भी आपके लिए चाहत है या इज्जत है या आप भी उनके दिल में वो जगह रखते हो ना, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत परमिशन वो ले सकती है या उनको मिल सकती है। इवन मैंने आपको चार पांच चीजें बताई जिससे आप नजदीक आ सकते हो, ये चार पांच चीजें ऐसी हैं जो किसी के भी दिल में आपकी जगह बना सकती हैं। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा किसी भी चीज में, वो है ना ये गाना, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छा बने और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे, ऐसा रहे कि हमेशा वो आपके नाम पे उनकी धड़कनें तेज हो जाएं, आप उन्हें बहुत अच्छे से आप उन्हें कैरी करो, वो आपको कैरी करे, और एक बाउंड रिलेशनशिप हो, ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें किसी तीसरे के आने की कोई गुंजाइश ना हो, तो आपको इन रास्तों से गुजरना होगा। और पता है अगर आप ये चाहते हो कि सच में वो आपसे पट जाएं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। नमस्कार।